उत्तर प्रदेश का चुनावी पारा पूरी तरह गर्म है। बुंदेलखंड में 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होना है और यहाँ के सारे प्रत्याशी जीत को अपने पाले में करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। प्रत्याशियों के शुभचिंतक उनके परिजन डोर टू डोर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। बांदा विधानसभा सदर से प्रत्याशी मंजुला विवेक और उनके परिजन और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अपनी अपनी टोली बनाकर शहर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं। बांदा समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शमीम बांदवी और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शकील अली के नेतृत्व में कल एक टुकड़ी बांदा के कई गांवों में भ्रमण करने पहुंची और उन्होंने वोटरों से मुलाकात कर अपने प्रत्याशी मंजुला विवेक को जिताने के लिए अपील की है। द नेटिजन न्यूज़ ने शमीम बांदवी से बातचीत की है कि कैसा रहा है उनका ये दौरा और कितना लोगों का उनको समर्थन मिल रहा है। शमीम भाई, गांव-गांव आप लोगों की टीमें घूम रही हैं जी, किस तरह का जन सहयोग मिल रहा है और आपके प्रत्याशी के प्रति आप लोगों को किस तरह से जनता सहयोग कर रही है और जनता में किस तरह का भाव नजर आ रहा है? हम गांव-गांव जा के देख रहे हैं और जनता से मिल रहे हैं। इस बार जो है पूरी जनता का पूरा समर्थन एक लहर है अखिलेश यादव की तरफ और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ। एक पूरा सैलाब उमर जिस भी गांव जाते हैं वहां पर एक तरफ सैलाब खुद ब खुद आ जाता है बाहर, क्योंकि ऐसी लहर एक तरीके से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी से इतना ऊब गई है जनता इनके झूठे वादों से, झूठे कामों से, इनके इतना त्रस्त हो गई है। किसान हो चाहे मजदूर हो, हर कोई इस वक्त अखिलेश यादव की बात कर रहा है। बीजेपी का तो नारा था सबका साथ सबका विकास, तो आखिर जनता में नाराजगी क्या लग रहा है आपको, क्यों है? विकास नाम में कोई चीज़ नहीं, कोई केवल यानी महंगाई सर पे उनके थोप दी गई और विकास की जगह में हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान और अपना कब्रिस्तान ये करते रहे। भारतीय जनता पार्टी से के लोगों से जो उनके प्रचारक हैं, जो उनके जितने उनके कार्यकर्ता हैं या उनके नेता हैं, अगर उनसे कह दिया जाए कि आप कुछ भी बोलिए पाकिस्तान और मुसलमान और कब्रिस्तान हटा के बात करिए, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। कोई क्योंकि विकास किया नहीं है, कोई काम किया नहीं है, इसलिए जनता जो है आज अखिलेश यादव जी का समर्थन। 2022 में हमारी सरकार बनने जा रही है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और ये जनता बनाने जा रही है। जनता का जो उत्पीड़न किया गया है, तो जनता जो है इनके भारतीय जनता पार्टी से ऊब करके, इनके झूठे वादों से ऊब करके अखिलेश यादव जी के आज साथ खड़ी है और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है।